हरिद्वार के मतलब हरिद्वारे भवेत कुंभम। ये बड़ा ही पुण्यदायी और गंगा जी के पावन तट पर लगने वाला महाकुंभ, तो यहाँ पर जो है कहते हैं हरिद्वार, जिस तरह से चारों धामों के लिए हम लोग जाते हैं, भगवान का द्वार है, प्रवेश द्वार, और गंगा जी भी यहीं पर धरातल पर आती हैं, तो इसका बड़ा विशेष महत्व है। अनेकानेक देश नहीं दुनिया के जितने भी संत महापुरुष, और कहते हैं सादर मज्जे सकल त्रिवेणी, जिस तरह से प्रयाग में सब तीर्थ आते हैं, सब संत महापुरुष आते हैं, जे जड़ जंगम तीर्थ राजू, जे तीर्थ राज प्रयाग में, उसी प्रकार इस हरिद्वार महाकुंभ में सब तीर्थ भी आते हैं, महाकुंभ के पर्व पर सब देवता भी आते हैं, और जितने सुरगणमुन ऋषि महर्षि हैं, 88,000 ऋषि इत्यादि, सब यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि गंगा जी जल ही नहीं है, ये अमृत है। पृथ्वी पर कहते हैं जब तक गंगा जी धरा पर रहेंगी, जब तक कलयुग व्याप्त नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा है कि जब तक धरातल पर गंगा जी रहेंगी, तब तक जो है कलयुग व्याप्त नहीं होगा। तो कहते हैं कलयुग समझुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम हरि गुणगन, नर तरह विनय प्रयास। कलयुग में अगर विश्वास पूर्वक इस हरिद्वार महाकुंभ में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अगर दृढ़ विश्वास पूर्वक ये महाकुंभ में जप ध्यान तप निष्ठा दान और पवित्रता पूर्वक अनुष्ठान इत्यादि किए जाएं, तो अश्वमेधान मतलब सहस्त्रों अश्वमेध का यज्ञ का यहाँ पर फल प्राप्त होता है। और हम तो कहते हैं कि यहाँ पर आकर के सब संत महात्माओं के दर्शन करिए, और संत सेवा, भगवत सेवा, और गंगा जी का स्नान करके अपने जीवन को सौभाग्य बनाए। वस्तुतः कुंभ की बहुत बड़ी महिमाएं हैं, परंतु सहज भाव में मेरी दृष्टि में कुंभ की सबसे बड़ी महिमा ये है कि यहाँ ऐसे ऐसे दिव्य संतों के दर्शन इतनी सहजता से प्राप्त हो जाते हैं, जिनके दर्शन हम बहुत उपाय करने पर भी नहीं पाते हैं, उन संतों के दर्शन बहुत ही सहजता से मिलते हैं। ये कुंभ की सबसे बड़ी महिमा। दूसरी सबसे बड़ी महिमा कुंभ की है कि आप यहाँ रात्रि को शयन करेंगे तो चारों तरफ भगवान की भागवत कथा, राम कथा, भगवान की लीला का दर्शन, संतों का दर्शन करते हुए आप शयन करेंगे, और जब भोर में आप जगेंगे तो वही भगवान के नाम जप के साथ आप यहाँ पे आपकी आँख खुलेगी, आपकी नींद खुलेगी। जिधर जाएंगे ये एक ऐसी नगरी है जिसे तंबुओं का शहर भी कहा जाता है, जहाँ तंबू से ही सजाया जाता है। हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।